जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे, आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। इतनी गारंटी देती हूँ कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा, हम सबको याद है। पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। जब वो सत्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा एफिडेविट देश की एक कोर्ट में दे दिया। उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं। अहंकार आज भी बरकरार है। जब राम लला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने, जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीप फेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे, आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। मैं उस महाराष्ट्र में काम कर चुकी हूं जहां पर 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा, हम सबको याद है। पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम सब महाराष्ट्र में इस बात के साक्षी हैं। नितिन जी को याद होगा, गृह मंत्री को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और यहां पर जनता त्राहिमाम कर रही थी कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके। और उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहूलुहान हो रही थी जश्न में शामिल थे, वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तब प्रमाण मानते हैं जब भारत की वायु सेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को ढेर करती है।
आज चाहती हूं उनसे पूछा जाए कि क्या यह संभव था जब कांग्रेस की सत्ता थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत की सरहद पर पाकिस्तान हाथ जोड़ते हुए वापस छोड़कर जाए, और ये 56 इंच की छाती वाला है जिसने 56 घंटे में विंग कमांडर अभिनंदन को भेजा। जी।